आज दुनिया भर के लोगों की तरह देश के लोग भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। बिहार में पिछले वर्ष इस बीमारी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। इसका परिणाम हुआ था कि 8 मार्च 2021 को कोरोना के मरीजों की संख्या घटकर मात्र 248 रह गई थी। मार्च के बाद कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में राज्य में मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आई है। इसे देखते हुए पुनः हम लोगों ने कोरोना जांच की संख्या बढ़ा दी है। अब 1 लाख से अधिक जांच प्रतिदिन किए जा रहे हैं। आवश्यक दवाओं के साथ साथ अस्पतालों में सभी प्रकार की आधारभूत संरचना यथा बेड, पाइप्ड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर आदि की व्यवस्था की जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन की सफलता के लिए सभी बिहारवासियों के सहयोग की आवश्यकता है। लॉकडाउन शुरू करने से कोरोना मरीज की संख्या में कमी आना शुरू हो गया। इस दौरान इच्छुक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। सभी जिलों में गरीब असहाय लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। कोरोना के संकट काल में अनुशासन और हिम्मत के साथ चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, सफाई कर्मियों, प्रशासन और पुलिस सहित सभी कोरोना योद्धाओं द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर का बिहार ने दृढ़ता और साहस के साथ सामना किया। इस बार भी दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच के साथ बिहारवासी कोरोना के खिलाफ इस जंग में सफल होंगे। आप अपना हौसला और धैर्य बनाए रखें, जागरूक रहें और डॉक्टरों की सलाह और सुझाव का पालन करें। मेरी आप सबसे अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगवाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इस बीमारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। आप सबको धन्यवाद। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।